छात्रवृत्ति और स्कूल फीस माफी की मांग को लेकर आज सपा छात्र सभा के कार्यकर्ताओं ने कलेक्ट्रेट पर जमकर प्रदर्शन किया। इस दौरान सपा छात्र सभा के कार्यकर्ताओं ने अपने कपड़ों की आहुति देकर अर्धनग्न होकर प्रदर्शन किया। सपा छात्र सभा के पूर्व जिलाध्यक्ष फरीद मलिक ने कहा कि समाजवादी छात्र सभा पूरे उत्तर प्रदेश में फीस माफी को लेकर कार्यक्रम चला रही है। पहले भी फीस माफी को लेकर कई बार ज्ञापन दिए जा चुके हैं, मगर उस पर सरकार ने कोई भी कार्रवाई नहीं की है। उन्होंने कहा कि आज हमने मुहिम चलाई है, अपने कपड़ों का त्याग किया है, अपनी इच्छा अनुसार उन्हें जलाया है। हम अपनी मुहिम को आगे बढ़ा रहे हैं, कपड़े जलाइए विरोध में, सरकार को जगाइए। जो भी इस मुहिम में जुड़ना चाहता है वह जुड़ सकता है, क्योंकि ये जनता का एजेंट है, कोई राजनीति का एजेंट नहीं है। कोरोना और लॉकडाउन के कारण गरीब और मध्यम वर्ग की कमर टूट चुकी है। कोरोना काल में स्कूल भी बंद रहे, मगर उसके बावजूद अभिभावकों को स्कूल फीस के लिए बाध्य किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि सपा छात्र सभा ऐसे अभिभावकों के साथ है जिनका स्कूल प्रशासन उत्पीड़न कर रहा है, और सपा छात्र सभा स्कूल फीस माफ़ी की मांग करती है। इस दौरान उन्होंने कहा कि छात्र छात्राओं की छात्रवृत्ति भी दिलाई जाए, ताकि उन्हें अपने शिक्षण ग्रहण करने में किसी भी प्रकार की परेशानी का सामना ना करना पड़े। मुरादाबाद से परवेज अंसारी की रिपोर्ट। देखिए, समाजवादी छात्र सभा पूरे उत्तर प्रदेश में एक कार्यक्रम चला रही है छात्रों की फीस माफ़ी को लेकर। पहले भी इस संबंध में ज्ञापन दिए गए हैं, मगर उसमें जो है ज्ञापनों में सरकार कोई उस पर इंक्वायरी तक या जांच तक या कोई भी किसी प्रकार की संवेदना अभिभावकों के साथ सरकार की नहीं है, इस सरकार की। चूँकि इनके खुद के बच्चे नहीं हैं तो ये अभिभावक की परेशानी समझेंगे क्या, पहली बात। दूसरी बात, आज हमने एक मुहिम चलाई है, अपने कपड़ों का त्याग दिया है, अपनी इच्छा अनुसार उसको जलाया है। इस मुहिम को हम आगे बढ़ा रहे हैं कि कपड़े जलाइए विरोध में और सरकार को जगाइए। तो जो इस मुहिम में जुड़ना चाहें उनसे हाथ जोड़ के अपील है कि इस मुहिम में जुड़िए। ये आपकी जनता का एजेंडा है, हमारी पार्टी का एजेंडा नहीं है, यह आपका जनता का, हम जनता के साथ खड़े हैं। और साथ ही साथ एबीवीपी को भी मैं चैलेंज देता हूं, एबीवीपी संगठन घर में सोए ना, सरकार उनकी है तो वो ये ना सोचे कि जनता उनकी है, जनता उसके साथ रहेगी जो जनता के मुद्दे उठाएगा। फीस को लेकर एबीवीपी सड़कों पर उतरे, हम उनको कहते हैं कि आप आइए सड़कों, क्योंकि वो नहीं आएंगे, उनसे स्कूल वालों की सेटिंग है, वो उनसे पैसे लेते हैं। उद्देश्य यह है कि जब कुछ हो ही नहीं रहा तो सरकार को कम से कम ये तो हो एक कि हाँ भाई, लोगों में गुस्सा है, लोग इस ये जन आंदोलन है, जन आंदोलन के लिए हमने इसको जन आंदोलन बनाने के लिए कपड़े अपने जलाए हैं, और उसको जो है हम
हर बूथ स्तर पर इस आंदोलन को ले जाएंगे। जी जी जी।